हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल इंडियन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ तीन ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो काफी सिमिलर साउंडिंग है, एक ही जैसा लगता है, लेकिन तीनों में बहुत अंतर होता है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली तब आता है जब आपके ऑप्शन में, जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यदि ऑप्शन में ये तीनों का तीनों उसमें दिया गया हो तो आप एक्चुअली कंफ्यूज कर जाएंगे कि किसे टिक करें। तो आज मैं इन तमाम टाइप के क्वेश्चंस जो कि जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच पे बेस्ड हो, मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस लेक्चर को अंत तक देखें ताकि इसमें जो भी कंसेप्चुअल चीजें हैं उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस लेक्चर के अंत तक आप ये तीनों टर्म में जो क्लियर कट डिफरेंसेस हैं उनको आप समझ पाएंगे और क्वेश्चन भी आप सही कर पाएंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चलिए, पहला जो कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, हमने कई बार सुना है कि जुडिशियल रिव्यू कोर्ट ने एक्सरसाइज किया, जुडिशियल रिव्यू क्या पावर। ये आखिर जुडिशियल रिव्यू क्या है इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। क्या है जुडिशियल रिव्यू? ये कहता है प्रोसेस बाय विच द जुडिशरी रिव्यू द वैलिडिटी ऑफ लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर। देखिए, आपको पता होगा कि जो पार्लियामेंट है उसका काम है लॉ बनाना, जुडिशरी का काम है लॉ को चेक करना कि ये सही है या नहीं है, उसी को दूसरे टर्म में बोले तो एडजुडिकेशन करना, और एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉज हैं उसका पालन करना। तीनों का अलग अलग काम है और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप ये समझिए कि जुडिशरी जो है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं उसको चेक करता है कि क्या आपने जो लॉ बनाया है वो लॉ सही बनाया है या नहीं बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के या किसी और लॉज के अगेंस्ट जाकर के कोई नया लॉ बना दिया। यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, उसको चेक करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू का पावर इनके पास होता है। ठीक है, हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि जुडिशियल रिव्यू एज सच इज नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू करके कोई ऐसा टर्म नहीं दिया गया, लेकिन कहां से हम इस पावर को डिराइव करते हैं, कहां से हमारे कोर्ट्स इस पावर को डिराइव करते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि पावर डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 13। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर में बताया था आर्टिकल 13 के बारे में, आप उसको जाकर के रिवाइज कीजिए। ये कहता है कि पावर डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दो इट इज नॉट मेंशनड इन इट एक्सप्लिसिटली। इसमें मेंशन नहीं है एक्सप्लिसिटली, लेकिन यहीं से पावर डिराइव करते हैं। मैं आपको बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। ये कहता है कि इट प्रोहिबिट्स द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज दैट मे टेक, देखिए इंपॉर्टेंट है, मे टेक अवे और एब्रेजेस फंडामेंटल राइट। जो आपका फंडामेंटल राइट है, कहीं ये सरकार जो पावरफुल होती है कहीं आपके ये फंडामेंटल राइट को ले ले, छीन ले आपसे, स्नैच कर ले, तो क्या करता है कोर्ट, इसको प्रोटेक्ट करता है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जब भी लेजिस्लेचर ऐसी लॉ बनाती है जिसमें आपका फंडामेंटल राइट खत्म होने का डर होता है तो वो तमाम लॉ को क्या करते हैं कोर्ट, उसको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर देते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आगे मैं बताऊंगा और एग्जांपल देने के बाद आपको जो है सारा चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक एनजेएसी का एक्ट आया था, मोदी जी आने के बाद सबसे पहला काम किया था उन्होंने एनजेएसी ले आया था। एनजेएसी जो था वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एक कमीशन था, एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो ये डिसाइड करते कि आखिर जजेस को कैसे सेलेक्ट किया जाए, कौन से जज हायर कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किनको सेलेक्ट किया जाए, इसके बारे में ये एक अलग से एक्ट ले आए और इन्होंने सोचा कि मैं अब जुडिशरी को कंट्रोल करूंगा, मैं पावरफुल हो गया हूं, मेजोरिटी में हूं, तो क्या करूंगा, अब मैं ही डिसाइड करूंगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन से जज को सेलेक्ट करना है। तो कोर्ट ने इसको उठा करके फेंक दिया, बोला कि मुझे मत बताओ कि कैसे कोर्ट को रन करना है, ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी पावर दे रखा है, और इसको क्या कर दिया, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, इसको खत्म कर दिया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, बोला कि आप अपना काम करो, आप अपना गवर्नमेंट चलाओ और कोर्ट को अपना काम करने दो, मेरे काम में हस्तक्षेप किए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और इन्होंने कहा कि एनजेएसी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो केशवानंद भारती केस में बताया गया है
उसके अगेंस्ट है। आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं जो आर्टिकल 50 में भी दिया गया है, और इसी तरीके से यदि आप इसके काम में हस्तक्षेप करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस नहीं रह जाएगी। तो आप क्या कीजिए, आप इसका पालन कीजिए, आर्टिकल 50 का पालन कीजिए, और भी जो प्रोविजंस रिलेटेड हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका पालन कीजिए और हमारे काम में दखलअंदाजी मत कीजिए। तो आप ये हमें मत बताइए कि किसका सिलेक्शन करना है किसका नहीं करना है। हमारे पास कॉलेजियम सिस्टम है, यदि इसमें सुधार की ज़रूरत होगी तो हम इसमें कर लेंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल भी मुझे सेलेक्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए इस तर्ज पे एनजेएससी एक्ट को उठा करके फेंक दिया, ठीक है। और उस समय बीजेपी गवर्नमेंट में और कोर्ट के बीच में बहुत तनातनी हो गई थी कि ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि जो लॉ बनाने का काम है वो पार्लियामेंट का है, और वो यदि कोई लॉ बनाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको यदि कोर्ट डिस्कार्ड करने लगे, उसको स्ट्राइक डाउन करने लगे, तो पार्लियामेंट का क्या मतलब हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा, देखिए मैं आपके हर लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं कर रहा, मैं उन तमाम लॉ को स्ट्राइक डाउन करूंगा जो किसी न किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मस्ट बी मेंटेन्ड। तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको नहीं रहने दूंगा, मैं इसे उठा करके गड्ढे में फेंक दे रहा हूं। और इसलिए एक एक करके सारे प्रोविजंस को उन्होंने उड़ा दिए, खत्म कर दिए, और लास्ट में ये बोला कि इस तरीके का एक्ट नहीं चलेगा, मैं इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करता हूं। और आयरनी देखिए, आज 6 साल बाद 2014 से लेकर के 20 आ गया, दोबारा मोदी गवर्नमेंट के पास या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास इतनी ताकत नहीं हुई कि दोबारा इस तरीके का एक्ट जो है लाया जाए। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब भी आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब भी आप सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, तो एक बैलेंस क्रिएट होता है जिसमें कोई पार्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन पार्लियामेंट सारा पावर को कैप्चर नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं उसे जुडिशरी पे या एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। चलिए ये तो पहला एग्जाम्पल था, आगे और भी एग्जाम्पल देंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं इन द केशवानंद भारती केस, KNB का मतलब केशवानंद भारती केस, इन द केशवानंद भारती केस द जुडिशियल रिव्यू वॉज अल्टीमेटली हेल्ड टू बी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर माना गया इसको। उसके बाद कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ट्रेसेस इट्स रूट्स इन द US लैंडमार्क केस। ये एक्चुअली US का कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, और इसका जो लैंडमार्क केस था ये है मरवरी वर्सेस मेडिसन 1803 का है। सोचिए कितना पुराना केस है, और US में इस केस के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वहां पे लाया गया था, और उसके बाद हमने जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो भी अडॉप्ट किया धीरे धीरे कोर्ट केसेस के माध्यम से। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करते हैं। ये कहता है इन UK There is no written constitution, ये बात पता है कि written constitution वहां नहीं है, so the concept of judicial review could not get into limelight, और इसीलिए नहीं पता चला क्योंकि जो चीज लिखा ही नहीं है उसके अकॉर्डिंग वो कैसे करेंगे फिर। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हालांकि वो इसका नाम नहीं दिया, ये लाइम लाइट में नहीं आया, लेकिन यूके का भी कोर्ट जो है वो कई मामलों में जुडिशियल रिव्यू जैसे कंसेप्ट को ये इख्तियार करता है, और उसको क्या करता है, लेजिस्लेचर को जब भी गलत करता है लेजिस्लेचर तो उनको क्या करता है, स्ट्राइक डाउन करता है। तो ऐसी बात नहीं है कि वहां नहीं होता है, लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू के नाम से एज सच लाइम लाइट में नहीं आया। इस तरीके का कंसेप्ट वहां भी है, और बाकी जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां भी कुछ इस तरीके का काम होता है मोर ऑर लेस। लेकिन आज हम इस लेक्चर में इंडिया में ज्यादा फोकस करेंगे, इसलिए इंडिया के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। अगला जो एक केस है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट केस है, 1979 का केस है। इसमें क्या हुआ, इट वाज हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32(2)-6, मैंने आपको जुडिशरी वाले लेक्चर में बताया था, या फिर मैंने जब फंडामेंटल राइट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 और 226 में क्या डिफरेंस है, बहुत अच्छे से बताया था, मुझे याद है, आप जाकर के रिवाइज करिए। उसके बाद कहता है अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 इज एन इंटीग्रल पार्ट, ऐसा पार्ट है जिसको अलग नहीं किया जा सकता, इंटीग्रल पार्ट एंड इसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एल चंद्र कुमार में भी बताया गया 1997 में। बेसिकली ये केस एक्चुअली था, इसमें क्या हुआ, ट्रिब्यूनल्स बने थे और इसमें बताया गया कोर्ट्स ट्रिब्यूनल से कैसे डिफरेंट हैं, और इसमें यह प्रयास किया गया था कि ट्रिब्यूनल को कोर्ट के जैसा ट्रीट किया गया था। इसमें बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट जो है ये बताया कि देखिए कोर्ट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हमारे पास, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उनके जैसा ट्रिब्यूनल काम नहीं कर सकता। ट्रिब्यूनल एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग होता है, ट्रिब्यूनल में गवर्नमेंट चूज करते हैं कि किनको जज बनाना है, किनको क्या करना है, किनको मेंबर बनाना है, किनको जुडिशियल मेंबर बनाना है, किनको एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाना है, एटसेट्रा।
लेकिन कोर्ट्स में एक अलग तरीके से काम होता है, और कोर्ट्स में जो राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, उसमें उस तरीके का राइट ट्रिब्यूनल नहीं एक्सरसाइज कर सकता है। जैसे आर्टिकल 32, 226, ये एक्सक्लूसिव राइट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का और 226 हाई कोर्ट का। तो बोला कि इस आर्टिकल के थ्रू कोई भी रहे, कोई भी अथॉरिटी रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसको एक्सरसाइज करके मैं किसी को रिव्यू कर सकता हूं, किसी पे मैं ऑर्डर पास कर सकता हूं, चाहे ट्रिब्यूनल रहे या कुछ और रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ट्रिब्यूनल के जो केसेस होंगे और किसी न किसी तरीके से आर्टिकल 32 और 226 के दायरे में आएंगे, वो हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रिब्यूनल का एक्सप्लिसिट राइट होगा और उसके बाद डायरेक्ट आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ऑब्वियस बात है, आप जा सकते हैं यदि वो मामला आर्टिकल 32 और 226 से रिलेटेड है, ठीक है। हम किसी और वीडियो में ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स के डिफरेंसेस को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल आपके पास मैं देता हूं जुडिशियल रिव्यू का, जिसमें सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था हमारे पास, उसमें 66A था, और इसको क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको उठा करके फेंक दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया बाय द एससी। मैं आपको बता देता हूं कि क्या था इसमें 66A में। 66A ऑफ द आईटी एक्ट टेल्स अबाउट पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एटसेट्रा एनी पर्सन हु सेंड्स बाय मीन्स ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्स और अ कम्युनिकेशन डिवाइस। इसमें कहता है कि एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज ग्रॉसली ऑफेंसिव, यदि ऑफेंसिव वगैरह है तो इस तरीके का यदि आप भेजते हैं मैसेज तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। आप इसको पढ़ लीजिए। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, और ऐसा माना गया कि ये जो सेक्शन है वो आर्टिकल 19(1)(a) के अगेंस्ट है, ठीक है, और किसी ना किसी तरीके से फंडामेंटल राइट को ये क्या करता है, ये वॉलेट करता है। तो मैंने पहले ही बताया कि यदि फंडामेंटल राइट को किसी ना किसी तरीके से वॉलेट करेगा तो क्या होगा, स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। तो इस सेक्शन को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। ये जो केस है इसका नाम है श्रेया, आप इसको नोट कर लीजिए या कहीं सर्च कर लीजिएगा, श्रेया सिंगल का केस था, जो एक लॉ स्टूडेंट थी और उन्होंने चैलेंज किया था इस पार्टिकुलर सेक्शन को, और उनके कारण क्या हुआ, इस देश में एक बदलाव आया, और इस तरीके से जो अनाम शनाप पुलिस किसी को भी पकड़ लेती थी, कोई भी आप पोस्ट करो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, उसको बेसिस बना करके आपको जेल में डाल दिया जाता था। ये सारी चीज़ें खत्म हो गई उसके बाद से, और ये जो है ये करीब 2015 के आसपास आया है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 2015 के बाद आया है, ये भी मोदी गवर्नमेंट का शुरुआती दौर था, उसमें ये स्ट्राइक डाउन हुआ है। और कहा गया ये जो बेसिक 19 का क्लॉज है, आर्टिकल 19 का जो कहता है स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, इसको कहीं ना कहीं ये क्या करता है, सप्रेस करता है, क्योंकि आप कुछ भी लिखते हैं और बोलते हैं कि ये ऑफेंसिव है, और आप क्या करते हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। पॉलिटिकली ये बहुत मिसयूज भी हुआ था, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोलना शुरू करते थे, लिखना शुरू करते थे फेसबुक पे या कहीं और पे, तो क्या पुलिस करती थी, उसको पकड़ के जेल में डाल देती थी। और इस तरीके से एक बहुत ही अलग तरीके का माहौल बन गया था कंट्री में, जो बहुत ही बेकार था डेमोक्रेसी के लिए। तो कोर्ट ने इसको उठा करके फेंका, बोला कि नहीं, ये स्ट्राइक डाउन कर रहा हूं, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन है उसके अगेंस्ट है। हालांकि कोर्ट ने यह भी मेंशन किया, यदि ये इस तरीके का ऑफेंसिव होता है जिसमें वायलेंस होने का खतरा होता है, तो ऑलरेडी हमारे पास आईपीसी का प्रोविजन है, आईपीसी में हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें उनको हेल्ड किया जा सकता है, या फिर कोई किसी को डिफेम करने का प्रयास करे, ठीक, तो उसको भी आईपीसी के द्वारा उनको पनिश किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप न्यूड पिक्चर्स भेज देते हैं तो इसमें क्या होता है कि आईपीसी के अंदर उसको भी आप पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इसका एज सच कोई जरूरी नहीं है, ये वाला जो पार्टिकुलर सेक्शन है इसका कोई मतलब नहीं है यहां पे, और ये जो पार्टिकुलर सेक्शन है वो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये जो पब्लिक का जो एक्सप्रेसिंग पावर है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको सप्रेस करने का प्रयास करता है, और इसीलिए ये क्या कर दिया, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जुडिशियल रिव्यू में ये जो चीजें हैं, जो ये जो एक्ट है आईटी एक्ट, ये किसके द्वारा बनाया गया, ये पार्लियामेंट बनाया। मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ किसी भी फंडामेंटल राइट या किसी भी लॉ के अगेंस्ट है, उसके कंफ्लिक्ट में है, तो क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, उसको चेक करता है, और इसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियली रिव्यू करना मतलब जुडिशियली देखना कि कहीं आपने जो लॉ बनाया है वो किसी ना किसी प्रोविजन के अगेंस्ट तो नहीं है। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। आगे हम बढ़ते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, ये थोड़ा सा ऊपर है जुडिशियल रिव्यू से। अब जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कहता है कि अ मोर एक्टिव रोल टेकन बाय जुडिशरी टू डिस्पेंस सोशल जस्टिस। बोल रहा है कि सोशल जस्टिस की जब बात आती है
तो क्या होता है कि जुडिशरी एक्टिव हो जाता है। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, कभी एक्टिव आपको दिखेगा, कहीं पे इनएक्टिव दिखेगा। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब सिंपल सा होता है कि जुडिशरी जो है वो एक्टिव हो जाता है, हालांकि ये अपने पावर के दायरे में, अपने राइट्स के दायरे में ही काम करता है। ये क्या करता है, एक्टिव हो जाता है, मतलब ये डोरमेंट नहीं होगा। ये जहां भी कुछ देखेगा कि सोशल इनजस्टिस हो रहा है तो क्या करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा, फटाफट काम करना शुरू कर देगा, किसी को भी वो बुला लेगा अपने कोर्ट में, कुछ इस तरीके का सुयो मोटो कॉग्निजेंस ले लेगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये सोशल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने रोल को एक्टिव कर लेते हैं, अपने रोल को थोड़ा सा ज्यादा ये वाइब्रेंट कर देते हैं, और उसी को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। आगे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास जरूर करेंगे। ये कहता है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म वी पॉइंट फिंगर्स टू द इन्वेंटेड मैकेनिज्म विच हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल में ये सारी चीजें नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, जुडिशरी ये सारी चीजें क्या करते हैं, बना देते हैं, इनोवेट कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, स्यू मोटो कॉग्निजेंस मतलब स्वतः संज्ञान लेना। यदि जज साहब को लग गया कि ये कुछ गड़बड़ है, ये किसी लॉ के अगेंस्ट है, तो ये क्या करते हैं, स्यू मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं। जैसे अभी उन्होंने माइग्रेंट का जो स्थिति था कोरोना पीरियड में, उसने स्यू मोटो कॉग्निजेंस ले लिया था। उसके बाद यूपी में यदि बात करें, तो यूपी में पोस्टर लगा दिया जा रहा था, इकोनॉमिक जो ऑफेंसेस हो रहे थे, मतलब जो तोड़फोड़ कर रहे थे, और उसके अगेंस्ट क्या कर रहे थे, नोटिस भेज रहे थे, और ऊपर से उसका पिक्चर लगा करके चौराहे पे टांग दे रहे थे, उसमें भी स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया, बोला कि ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नाम तो जरूर सुना होगा आपने। पीआईएल में एक्चुअली क्या होता है, इसमें जो लोकस अस्टेंडाई का प्रिंसिपल है, ये क्या है, इसको समझने के लिए आप इतना समझिए कि जैसे मेरे और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई वाद विवाद हुआ है, तो या तो मैं या तो आप दोनों में से कोई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन एक शर्मा जी हैं थर्ड पर्सन, वो तो नहीं जा सकते ना। तो इसी प्रिंसिपल को कहते हैं लोकस अस्टेंडाई, मतलब जो अफेक्टेड पार्टी है वही कोर्ट में जाए। लेकिन पीआईएल में ये क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं नहीं लोकस अस्टेंडाई की जरूरत नहीं है, यदि कोई ऐसा मैटर है जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कोई जरूरी नहीं है कि जिसको लॉस हुआ है वही जाए कोर्ट में। कोई भी सजग व्यक्ति जो इन्वायरमेंट में रह रहा है, जो सोसाइटी में रह रहा है, वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, वो लेटर लिख सकता है, वो पोस्टकार्ड में भेज सकता है, वो मैसेज कर सकता है, वो मेल कर सकता है, किसी और माध्यम से बस वो जज साहब को बता सकता है कि मैलॉर्ड इस तरीके की चीजें हो रही है, आप मुझे बचाएं। अभी मैं बताऊं आपको, एग्जाम्पल दे दूं, तो मुंबई में पेड़ कटाई का काम हो रहा था, गवर्नमेंट ने पेड़ काटना शुरू कर दिया और रातों रात हजारों पेड़ काट दिए। उसके बाद एक लॉ स्टूडेंट ने वहां पे क्या किया, वहां पे एक लेटर लिख दिया सीजीआई को, और उसके बाद वहां पे क्या कर दिया, इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में चेंज कर दिया गया, और लेटर के माध्यम से ही ये हो गया। अब वो पार्टिकुलर लॉ स्टूडेंट जो था, वो पार्टिकुलरली उस पेड़ के कटाई से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इन्वायरमेंट तो इफेक्ट हो रहा था, इन्वायरमेंट तो सबका है। तो इसीलिए लोकस अस्टेंडाई के प्रिंसिपल को डाइल्यूट कर दिया। बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीआईएल में लोकस अस्टेंडाई का प्रिंसिपल लागू होता है या नहीं होता है, डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, तो आप देख लेना उसके अकॉर्डिंग। अगला एग्जांपल जो है कॉलेजियम सिस्टम का, कॉलेजियम सिस्टम आप जानते हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट जजेस करते हैं, और जजेस का कॉलेजियम करता है, ये ग्रुप होता है, ये ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन से जज को अपॉइंट करना है, और उसके बाद जो भी डिसाइड करेंगे अपने डिसीजन को, ये महामहिम राष्ट्रपति के बाद भेज देते हैं, और राष्ट्रपति फिर उनको अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंस्टेड ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, ये आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में देखेंगे आप, ये सब जो है ना प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ मिल जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ नहीं मिलेगा। तो इसमें डिफरेंस है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी लॉ बना दिया पार्लियामेंट वो वैलिड माना जाएगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है कि नहीं, आप जो लॉ बनाएंगे वो तर्कसंगत हो, वो न्याय संगत हो, वो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ हो, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो लॉ क्या हो जाएगा, खराब माना जाएगा। इसीलिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ लिखा हुआ तो जरूर है 21 में, लेकिन मनेका गांधी के केस के बाद जो है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। आप इसको बड़े एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए कि हमारी कंट्री में प्रोसीजर ये है कि जब भी कोई मर्डर किसी का करता है तो उसको फांसी दिया जाएगा। फांसी कैसे दिया जाएगा, इसका एक प्रोसीजर है, कोर्ट के ऑर्डर से दिया जाएगा, उसके बाद वहां पे एग्जीक्यूटिव मौजूद होंगे, ठीक है, अपने सारे राइट्स को एग्जॉस्ट कर लिया है उसके बाद ही दिया जाएगा, ये सारी चीजें। अब कोई गवर्नमेंट आ जाए, बोला कि नहीं नहीं फांसी वासी नहीं देंगे, इसके सर काट दो, इसका सर काट दो, या चोरी किया तो इसका हाथ काट दो, इस तरीके का लॉ बना दे, और बोले कि भैया मैंने लॉ बनाया है, मैं मेजोरिटी में हूं, मैंने पार्लियामेंट से बनाया है, तो देखिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ,
अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ से आप किसी का लाइफ ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है प्रोसीजर मैंने बना दिया, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, तो ऑब्वियसली बात है अब क्या होगा, अब जो भी मर्डर करेंगे उनका सर काट दिया जाएगा और जो भी चोरी करेंगे उनका हाथ काट दिया जाएगा। तो कोर्ट यहां पे बीच में आ जाएगा, बोला कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ जो है वो बस लिखा हुआ है आपके किताब में कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन मैं उसको नहीं मान रहा, मैंने उसको मनेका गांधी के केस में चेंज कर दिया है ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ में। फिर गवर्नमेंट पूछेगा ये क्या होता है भैया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बोलेगा कोर्ट की भैया आप ऐसा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो भी आप प्रोसीजर बनाएंगे, जो भी आप लॉ बनाएंगे वो सोशल वेलफेयर के लिए हो, वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, वो इरेशनल नहीं हो, रीजनेबल हो, ये सारी चीजें। आशा करते हैं आप चीजों को समझ पा रहे हैं। उसके बाद फिर अगला एग्जांपल है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती केस में लाया गया जो कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन बोला कि देखिए आप अमेंड तो कर सकते हैं आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 को यूज करके, लेकिन उन तमाम चीजों को आप छू भी नहीं सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो आप जाकर के एक बार केशवानंद भारती वाले लेक्चर को आप रिवाइज करें ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है। तो इस तरीके से आप जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या डिफरेंस होता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट जो है जुडिशियल ओवररीच, ये सुनने से ही लग रहा है कि ओवररीच मतलब जुडिशरी क्या कर रहा है, ये जुडिशरी का दायरा है, अब ये क्या कर रहा है अपने लिमिट से क्रॉस करके ये जो है दूसरे के लिमिट में, ये पार्लियामेंट का लिमिट है या फिर ये मान के चलो ये वाला जो दायरा है वो एग्जीक्यूटिव का लिमिट है, तो जुडिशरी क्या कर रहा है ये क्रॉस कर जा रहा है, इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, मतलब अपना जो बाउंड्री है ये वाला जो बाउंड्री है ये देख रहे हैं आप, ये बाउंड्री को क्या कर रहा है इसको क्रॉस करके दूसरे के बाउंड्री में क्या कर रहा है प्रवेश कर रहा है, उसमें चला जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें जब भी होती है तो कहा जाता है कि जुडिशियल ओवररीच है, जुडिशरी अपने लिमिट को तोड़ करके दूसरे के घर में घुस रही है, एग्जीक्यूटिव के घर में घुस रही है, पार्लियामेंटेरियन के घर में घुस रही है, मतलब लॉ बनाने वाली एजेंसी के घर में घुस रही है, उसके काम में दखलंदाजी कर रही है, तो उसी को कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और समझने का प्रयास करते हैं। ये कहता है कि द लाइन बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच इज वेरी थिन, ये बोला कि बहुत पतली लाइन है इसके बीच में, और एग्जांपल के माध्यम से अब हम समझने का प्रयास करेंगे। ये कहता है कि व्हेन जुडिशियल एक्टिविज्म क्रॉसेस इट्स लिमिट, जब अपने लिमिट को क्रॉस कर देता है एंड बिकम्स जुडिशियल एडवेंचरिज्म, ये एडवेंचर करना शुरू कर देता है, उस सिचुएशन में क्या होता है इसको कहते हैं जुडिशियल ओवररीच, मतलब ये अपने दायरे से बाहर निकल करके ये तांडव मचाना शुरू कर दिए जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत सुसाइडल है, ठीक है, उसी को कहते हैं इज नॉन एज जुडिशियल ओवररीच। आगे कहता है कि व्हेन जुडिशरी ओवर स्टेप्स, आप चीजों को समझिए और इसी तरीके के ऑप्शंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। ये कहता है कि व्हेन जुडिशरी ओवर स्टेप्स द पावर गिवन टू इट, इट मे इंटरफेयर विद द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और यदि ऐसा होता है तो जुडिशियल ओवररीच कहते हैं, ठीक है। ओवरस्टेप वाला जो है वर्ड, ये कीवर्ड है, इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद कहता है कि दिस इज अनडिजायरेबल, ये जरूरी नहीं है, ये डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल कहता है। उसके बाद जो है जुडिशियल ओवररीच डिस्ट्रॉय द वेरी स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात हमने की थी कि भैया ये पार्लियामेंट है इसका काम लॉ बनाना है, ये एग्जीक्यूटिव है इसका काम है लॉ को फॉलो करना, और ये है जुडिशरी इसका काम है चेक करना कि लॉ जो बनाया जा रहा है या एग्जीक्यूटिव काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको चेक करना। एडजुडिकेशन का काम इनको दिया गया, लेजिस्लेशन का काम इनको दिया गया और एग्जीक्यूशन का काम इनको दिया गया। तीनों का अलग अलग क्षेत्र है, तीनों एक तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब एक ही लेवल का सिस्टम है, तीनों में कोई बड़ा और छोटी वाली बात नहीं कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन किसी न किसी तरीके से जुडिशियल इनोवेशन से जुडिशरी कुछ पावर को अपने ऊपर ले लिया है, अपने पास रख लिया है, जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है, ये सारी पावर जो है ये रख लिए हैं, लेकिन फिर भी ये चेक एंड बैलेंस का काम करता है। कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। अलाहाबाद हाईकोर्ट मेकिंग इट कंपलसरी फॉर ऑल ब्यूरोक्रेट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू गवर्नमेंट स्कूल, अरे कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें बोला कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजे। अब देखिए ये जो है जुडिशियल ओवररीच का केस है, अब ब्यूरोक्रेट्स अपने बच्चे को कहां पढ़ाना चाहते हैं भैया, उन पे छोड़ दो, आप क्यों इंपोज कर रहे हो उन पे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें अनडिजायरेबल है डेमोक्रेसी में, कई बार कोर्ट्स ऐसा कर देता है, कई बार जरूरत भी होता है, बट एनीवे डेमोक्रेसी में लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहता है मिसयूज ऑफ पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इनके पास ब्रह्मास्त्र है और कई बार ये जो है इसका मिसयूज भी करते हैं, किसी को भी पनिश कर देते हैं, किसी को भी जेल में डाल देते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, एक आध बार आप मान लीजिए 10 साल में एक आध बार हो जाता है, तो उसमें हम कहते हैं कि जुडिशरी क्या कर दिया, अपने स्टेप को ओवर कर दिया, ओवररीच कर दिया, अपने दायरे से बाहर जाकर के काम किया, अपने पावर से ज्यादा पावर यूज कर लिया, इसी को कहते हैं
जुडिशियल ओवररीच। आगे कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे। अगला एग्जांपल है श्याम नारायण चौकसी का केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें कहा गया कि ऑल सिनेमा हॉल इन इंडिया शैल प्ले द नेशनल एंथम बिफोर द फीचर फिल्म स्टार्ट्स। जब हम मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में तो क्या होता है, वहां पे एक राष्ट्रगान बजाया जाता है। एक्चुअली ये सब एग्जाम्पल जो है जिसमें सिनेमा हॉल को राष्ट्रगान बजाना है, झंडा लहराना है, गेट बंद करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसा माना जाता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म से आगे है, जुडिशियल ओवररीच में चला जाता है। ठीक है, ऑल प्रेजेंट इन हॉल ऑल आर ओब्लाइज टू स्टैंड अप टू शो रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। अब नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट तभी पता चलेगा इनके द्वारा जब आप मूवी हॉल में खड़े हो जाएंगे। ये कोई मापदंड उस तरीके से लॉजिकल नजर नहीं आता, लेकिन क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में जो कोर्ट है इसका ऑर्डर को फॉलो करना होता है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप लीगली देखेंगे, लॉ के प्रिज्म से देखेंगे, लॉ के लेंस से देखेंगे, तो ये सारे एग्जांपल जो है जुडिशियल ओवररीच का है, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए लॉन्ग टर्म में दे रह गया तो खतरा होता है। एक आध बार चीजें होती रहती है, ये सारी चीजें ऊपर नीचे, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव करेगी जब तीनों ऑर्गन जो हैं वो एक दूसरे से बैलेंस रहें, एक दूसरे पे रिलेटेड रहें कहीं ना कहीं, तभी आप एक हेल्दी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो आशा करते हैं कि इस छोटे से लेक्चर में आप जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच जैसे कठिन सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे। ये कठिन कंसेप्ट को आप समझ लिए हैं बड़े आसानी से। यदि कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ताकि आपका और भी जो डाउट बच गए हैं वो भी क्लियर हो जाए। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।